नमस्कार, आप सबको गुरुकुल में स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक एंड वीडियो पे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप लोगों का सारे नवरात्रि के अनुष्ठान अच्छी तरह से चल रहा है और माता रानी की विशेष कृपा आप पर आ रही। आज मैं बहुत कम समय के लिए एक आप लोगों को एक मंत्र देने वाला हूँ। ये मंत्र इसलिए देने की आवश्यकता है कि अभी कुछ चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। ये सभी जो है, सभी उपासक जो हैं, जो माता की उपासना कर रहे हैं और जो भी बहुत सारे जो साधक हैं, जो चाहे किसी भी श्रेणी के हो, चाहे वो बहुत उच्च कोटि के हो या प्रारंभिक कोटि के, मैं कभी निम्न कोटि के साधक किसी को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि किसी भी साधना में निम्नता का वाक्य नहीं होता है। कि जो भी साधना होता है वो सर्वोपरि होता है, चाहे वो छोटी सी छोटी साधना को छोटी बोलना भी नहीं चाहिए। तो आज मैं आप सबको एक जो बाबा भैरव बाबा का जो काल भैरव बाबा का एक मंत्र बताने वाला हूँ। ये मंत्र आप उपयोग में ला सकते हैं। ये मंत्र का जो है, आपको अगर कभी भी कहीं पे जाते हुए, ऐसे कहीं पे आप जर्नी कर रहे हैं या कहीं पे आप बैठे हैं, मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर रात को सोने का टाइम आपको कोई बहुत बुरा सपना आता है, और आपको बुरा सपना के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अगर भय लगता रहता है और घबराहट होता है किसी चीज़ का, मानो आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में आपको अंधेरा है या कुछ भी है, आपको भय लगता है, आपको कल रहने में भय लगता हो, या आप साधना करने के बाद जब रात को सोते हैं, कुछ आसपास का नेगेटिव एनर्जी आपको भय दिलाते हैं आपके मन में और आपको भय लगता है, तो ये बाबा जो है भैरव बाबा का एक मंत्र है। आप उसको जपते रहना है आपको। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भय है वो भय कट जाएगा और धीरे धीरे आपको भय से मुक्ति मिल जाएगी। ये खाली भय को, जो भय का नाश करने के लिए ये मंत्र नहीं है। देखिए, काल भैरव की जो तत्व है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, ऐसा ही कोई सी उपासक होगा जिसको बाबा काल भैरव के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि जो उनका जो है, सारे उनके तत्व के बारे में सभी को पता है कि भैरव जी कौन हैं और क्या क्या उनका जो है, उनका आशीर्वाद से क्या प्राप्त होता है। इसमें ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है, कभी आपको बताऊँगा इस बारे में, एक अलग सा विषय में चर्चा करूँगा मैं, कि किस तरह से जो है भैरव बाबा की कृपा किसी को भी मिल सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा सिद्ध क्यों हो, वो छोटा सा जो है अपना छोटा अनुष्ठान भी कर रहा है, लेकिन उसको जब एक बार उसको उनकी कृपा मिल जाती है ना, तब सारे शत्रुओं का समन हो जाता है और जो शत्रु आपको प्राण हरने चाहते हैं उनका नाश हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और आप चाहे कोर्ट में फंसे हो, किसी भी मुकदमा में हो, या चाहे आपका ज़िंदगी में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव चल रहा, अगर भैरव उपासना सबसे अच्छा उपासना रहता है आपके, अगर ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो रहा है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको तुरंत बहुत शीघ्र उस जगह से आपको निकलना है, क्योंकि इनका जो पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, या उनका जो साधनाएँ होते हैं, इतना फलदायी होता है कि, और इतना तीव्र प्रभाव होता है कि आप उसको ज़्यादा दिन तक करना नहीं पड़ता है। अगर एक बार आप भैरव जी को प्रसन्न कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट और दुख धीरे धीरे दूर हो जाते, क्योंकि शिव रूपी हैं वो। तो है उनका जो है, उनका तत्व क्या है, इसके बारे में बहुत सारे जो है बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको तत्व को आप जान सकते हैं, क्योंकि भैरवनाथ की उपासना हर कोई साधक करता है अपने जीवन काल में, चाहे एक दिन का हो, दो दिन का हो, कुछ भी नहीं करता होगा तो कम से कम वो कालाष्टमी का टाइम या जो है उसमें भी उनका उपासना करता है। तो भैरव अष्टमी जो है एक अद्भुत प्रकार का, मतलब भैरव अष्टमी एक जो है बहुत ही अद्भुत है, मतलब भैरव अष्टमी जो उनका पूजा पाठ होता है बहुत रहस्यमयी होता है वो पूजा पाठ, ठीक है। उस दिन आप जो गृहस्थ साधक हैं, जो बटुक बाबा का भी पूजा कर सकते हैं और बाकी जो साधनाएं करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा दिन है, वो तो दूर की बात है। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मानो आप को भय हमेशा सताता है, जैसे किस कारण पर आपको ये लगता है कि मेरे चारों ओर शत्रु घिरे हैं, अगर कोई मुझे कुछ कर देगा तो, अगर मेरा कुछ हो गया तो, मेरे पास कैसे मैं बचूँ इस चीज़ से, और कैसे मैं इस चीज़ से निजात पाऊँ कि मेरे को भय ना लगे। और अगर आप साधना करते हैं, साधना करने के बाद आपको लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है और आपको घूर रहा है, देख रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, इस मंत्र का सिद्धि जो है, इस मंत्र का जो विधान है, सिद्धि है, ये अलग है। इस मंत्र का सिद्धि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस मंत्र, देखिए, हालांकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो मंत्र होते हैं वही देवता हैं,
क्योंकि देखिए मंत्र को अगर आप उसी एक जंत्र में उनको पूजा करते हो तो वो देवता स्वरूप में होते हैं। लोग कहते हैं जिस चीज़ को आप देखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग अपना जो मंत्र है उसी मंत्र को पूजा करते हैं, उनके पास कोई देवा देवियों का फोटो भी नहीं रहता, उनको जंत्र में स्थापन करके उसी मंत्र से ही अपना जागृत करते हैं, उनको पूजा करते हैं। तो इस विषय का सिद्धि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, इसका सिद्धि बहुत अलग है और बहुत कोई ज़्यादा कठिन सिद्धि नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं ये वाला सिद्धि, ठीक है। इसमें एक दिन का भी सिद्धि हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीन पे मैं आप देख रहे हैं ये मंत्र, और आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस मंत्र को लिख लूँगा, ठीक है, तो आपको ये मंत्र मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, कभी भी आपको अचानक डर लगे, घबराहट आए, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक ही मंत्र अपना मन ही मन जब करना है, वो मंत्र ओम भयहरणंच भैरवः, 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 ये मंत्र आप जपते जाएं, आराम से जपते जाएं। ये मंत्र आपको कुछ देखना नहीं है, क्या लग रहा है, क्या डर है, क्या इसका विधि विधान कुछ नहीं है। कभी भी बस अपने मन में मंत्र जाप करने से पहले खाली एक बार बोल दीजिए, हे भैरव बाबा, हे भैरवनाथ मेरा रक्षा कीजिए, हे बाबा काल भैरव मेरा रक्षा कीजिए, हे बाबा महाकाल भैरव, आप जिनको भी मानते हैं जहाँ पे हैं, अगर आप उज्जैन में हैं, काशी में हैं, कहीं पे हैं, आप जिन जिन बाबा को बटुक को मानते हैं, किसी भी भैरव को मानते हैं, आप इस मंत्र को आप जप सकते हैं। इस मंत्र से देखिएगा कि आपका अंदर में जो भी अपना भय लग रहा है, ये भय धीरे धीरे कट जाएगा, धीरे धीरे भय मिट जाएगा। देखिए ये लगता है बहुत छोटा मंत्र है, लेकिन इसका प्रभाव इतना प्रभावशाली मंत्र है। मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि कभी मेरा तबीयत बहुत ख़राब था और मैं थोड़ा बाहर गया था, मैं अपना जो ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करने के टाइम मुझे अचानक घबराहट महसूस हुआ, मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे गला सूखने लगा, क्योंकि मैं बहुत वीक हो गया था अपना फीवर के बाद। लेकिन तुरंत ही मैं इस मंत्र को अपने आप जप करने के लिए शुरू कर दिया। मतलब मैं इस मंत्र को थोड़ा जाना था पहले से, भैरव जी के एक बुक में था, तो मैंने लगा कि शायद मेरे भय को अभी हरण करेंगे, पता नहीं उस टाइम ये मंत्र कहाँ से मेरे मन में आया, लेकिन इस मंत्र को मैंने शुरू कर दिया, ओम भयहरणंच भैरव, ओम भयहरणंच भैरव, ओम भयहरणंच भैरव। तो तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा अंदर एक तीव्र ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है और मेरे सारे डर घबराहट कम से कम दो मिनट, एक या दो मिनट में मैं शांत हो गया और मुझे बॉडी में ऐसा ऊर्जा आया कि मैं आराम से घर वापस आ सका। इसलिए मैं इस मंत्र का उपयोग करता हूँ। अगर कभी भी मेरा जब साधना होता है, कभी मुझे ठीक नहीं लगता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है साधना करने के बाद, मुझे थकान महसूस होता है और मुझे बहुत ख़राब लगता है, डर सा लगता है, कभी कभी देखिए साधना हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी में आपको ठीक से नींद नहीं आएगा और डर लगेगा, तो उपासना के टाइम में अगर आप डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे भी आपको कहीं भी आपको भय लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो आप इस चीज़ कर सकते। ये खाली इस चीज़ पे नहीं है, लेकिन अगर आप चारों ओर शत्रुओं से भी घिर जाते हैं, मानो कि आपको किसी जगह पर आप फंस गए और आपको शत्रु अपना जो है आपको प्राण हरने का भी कोशिश करने की मतलब कर रहा है, तो ऐसे वक्त भी आप भैरव बाबा का स्मरण कीजिए और इस मंत्र को धीरे धीरे जाप करते जाइए, कि वो शत्रु अपना जो है उसका शत्रुता समन हो जाएगा, वो आपको छोड़ देगा, या नहीं तो आपका मित्र तुल्य आपको व्यवहार करेगा। इसलिए ये मंत्र को आप अपना जो है अपना जिंदगी में इसको अपना ग्रहण कीजिए, इस मंत्र को आप आगे इसका जाप कीजिए जब आवश्यकता पड़े। अरे ऐसे भी आपको हमेशा अगर डर लगता है तो आप इस मंत्र को आप जपा मतलब आप जो है अपना मन ही मन इसको जाप कर सकते हैं, ठीक है, उसको मुँह से बोलने का भी जरूरत नहीं, मन ही मन जाप कर सकते हैं। अगर मानो आप ऐसा सिचुएशन आप जोर जोर से जाप नहीं कर सकते, मन ही मन इस मंत्र को जाप कीजिए, आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको ये मंत्र उस मुसीबत से निकाल के ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये था इस मंत्र का महत्व, इस मंत्र का जो है ऊर्जा शक्ति के बारे में मैंने बताया है। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये जितना भी जल्दी जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आपका कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हालांकि अब नवरात्र का समय है, रात में अनुष्ठान रहता है, थोड़ा व्यस्त रह रहा हूँ, फिर भी मैं सभी का मेल और सभी को कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। माता रानी माँ वैष्णो माता आपको हमेशा खुश रखे। जय बाबा काल भैरव, जय शंकर।